हे hey फ्रेंड्स, आपके फ़ोन पर अगर माई जियो ऐप कीप स्टॉपिंग हो रहा है फ्रेंड्स, या फिर इज नॉट रेस्पॉन्डिंग का एरर आ रहा है फ्रेंड्स, तो सिंपली आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करना है। यहाँ पे कई बार मैंने जैसे देखा है फ्रेंड्स, यहाँ पे माई जियो ऐप ओपन होने में बहुत ही टाइम लगता है, पता नहीं क्यों फ्रेंड्स, और कई दिन बाद ये अपडेट आता रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत टाइम लगा रहा है ओपन होने में और बहुत सारा लैग भी करता है। तो सिंपली आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करना है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको अगर कीप स्टॉपिंग और इज नॉट रेस्पॉन्डिंग का एरर आ रहा है फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना है, आपके डिवाइस पे सेटिंग ओपन कर लेना है फ्रेंड्स। ऐसे ही मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस वगैरह बना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता है फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे सामने जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो है मोर सेटिंग, टैप करके ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँगा और यहाँ पे एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कुछ कुछ डिवाइस पे ऐप्स का ऑप्शन भी लिखा आता है। यहाँ पे जैसे ही सेटिंग को ओपन करते हैं फ्रेंड्स तो ऐप्स दिखाई देता है, तो आपको ऐप्स ओपन कर लेना है फ्रेंड्स। कुछ कुछ डिवाइस पे यहाँ पे जो नेम चेंज रहता है, तो इंटरफेस और नेम थोड़ा सा चेंज रहता है। यहाँ पे एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है, मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ऑल नज़र आ रहा है, टैप करके ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे इंस्टॉल जितना भी ऐप्स रहेगा फ्रेंड्स आपके डिवाइस पे, जैसे आप ऐप्स को ओपन करोगे कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। माई जियो ऐप्स स्क्रॉल डाउन करके निकाल लेना है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हो माई जियो ऐप, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैंने ओपन किया फ्रेंड्स, पहला जो काम आपको करना है वो है फोर स्टॉप, फोर स्टॉप कर देना है फ्रेंड्स। कई बार ऐसा हो जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐप में बग क्रिएट हो जाता है फ्रेंड्स, और माई जियो ऐप का बहुत अपडेट वगैरह आता है फ्रेंड्स, तो आपको प्ले स्टोर से एक बार अपडेट कर लेना है। कई बार ऐसे मैंने देखा है फ्रेंड्स, ऐप यहाँ पे ओपन होने में बहुत ही टाइम लगता है, जब भी हम डाटा को चेक करने जाते हैं फ्रेंड्स ऐप के अंदर, तो यहाँ पे ऐप ओपन ही नहीं होता है, या फिर इज़ नॉट रेस्पॉन्डिंग का एरर आ जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लोज होने लगता है ऐप। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, दूसरा जो स्टोरेज पे ओपन कर लेना है, और इसका जो कैचे है यहाँ पे क्लीन कर देना है, और डाटा है उसको आपको क्लियर कर देना है यहाँ से, ठीक है। तो आपको ये तीन काम कर लेना है फ्रेंड्स, फोर स्टॉप और इसका कैचे और डेटा क्लीन कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ से बैक आ जाना है फ्रेंड्स। बैक आने के बाद माई जियो ऐप को दोबारा ओपन करके देखना है, और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, कुछ कुछ ऐसा डिवाइस भी होता है फ्रेंड्स, लोअर डिवाइस, जिसमें टाइम लगता है फ्रेंड्स ओपन होने में। तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, मतलब लोअर डिवाइस में रैम वगैरह भी, प्रोसेसर भी उतना अच्छा नहीं रहता है, तो यहाँ पर टाइम लग जाता है फ्रेंड्स। तो पहले आपको ये काम कर लेना है फ्रेंड्स, उसके बाद आप जैसे ही माई जियो को ओपन करोगे तो विदाउट किसी एरर उस कीप स्टॉपिंग और इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग आपका कुछ इस प्रकार ओपन होकर आ जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, सो या गाइस।